हेलो वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले रियलमी एक्स टू की, जो कि 6GB 128GB का वेरिएंट हमने परचेस किया फ्लिपकार्ट से। कल के डेट में हमें इसका ऑर्डर किया था, लगभग 24 घंटे से पहले फ्लिपकार्ट ने हमें प्रोडक्ट डिलीवर किया, तो फ्लिपकार्ट को एक बार थैंक यू बोलते हैं। दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसकी बैटरी के बारे में बात करेंगे, इसके कैमरा के बारे में जो बात करेंगे, इसके साथ जो फास्ट चार्जर मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम चलते हैं अपने कैमरा के और वहाँ पे जाकर करते हैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों मोबाइल कुछ इस तरह से पैकेजिंग में हमें मिला है, जो कि ऊपर एक प्लास्टिक की पैकेजिंग है। इसको हम सबसे पहले हटा देते हैं। इसको हटा देने के बाद हम चले गए अपने मोबाइल के अनबॉक्सिंग को। तो यहाँ पे ऊपर फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग जो प्लास्टिक की है, इसको हम सबसे पहले कट कर लेते और फटाफट से अपना मोबाइल बाहर निकाल लेते। अंदर के साइड और एक बॉक्स पैकेजिंग मिलते हैं, इसको भी हम फटाफट कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको कट कर लेते हैं। तब तक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो कि हमने वेरिएंट लिया है 6GB 128GB का वेरिएंट, पर्ल वाइट कलर में हमने लिया है। तो जिस जो आप हैं यहाँ पे इस तरह के पैकेजिंग में आता है। इसके मतलब बॉक्स प्राइसिंग आप देख सकते हैं, जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है, जो कि अभी फिलहाल फर्स्ट सेल में मुझे एक्सिस बैंक का डिस्काउंट मिला के ये वेरिएंट इस तरह से मिला है। तो सबसे पहले यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेट कर लेते हैं। मेन बॉक्स को अब देखा जाए तो बॉक्स की पैकेजिंग कुछ इस तरह से। ऊपर रियलमी X264 मेगापिक्सल परफॉर्मेंस लिखा गया है, स्नैपड्रैगन 730G 30W उक चार्जर। और नीचे के साइड यहाँ पे फ्राइविंग मेगापिक्सल कैमरा के बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो ऊपर एक प्लास्टिक का एक पॉलीथीन का लेबल जो मतलब ऊपर से एक पैकेजिंग किया गया, इसको सबसे पहले हम हटा लेते हैं और आपको मोबाइल के अनबॉक्सिंग करके आपके साथ इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज आएगी ये सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों एक क्विक अनबॉक्सिंग है अलग से, मैं आप लोगों के लिए कुछ दिन यूज़ करने के बाद एक स्पेशल रिव्यू वाला वीडियो लेकर आने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों फिलहाल हम यहाँ पे जो सेल दिया है इसको कट कर लेते हैं और देख लेते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या कंटेंट मिलता है। तो यहाँ पे बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद पैकेजिंग कुछ इस तरह से, क्या क्या निकलता है हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम भी बहुत एक्साइटेड है इस इन सारी चीज़ों को देखने के लिए। तो अंदर एक पैकेट मिलता है, इस पैकेट में सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है एक मोबाइल का कवर, जो कि काफ़ी अच्छा है। एक क्विक स्टार्ट गाइड और एक गाइड मिलता है, जिसे हम फटाफट से साइट कर लेते और मेन अपनी चीज़ पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते जो कि पर्ल वाइट कलर में मोबाइल जो हमारे पास आया है, जो दिखने में मुझे काफ़ी खोलने में मैं एक्साइटेड हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस पैकेजिंग को सबसे पहले हम हटा देते और देख लेते हैं कि मोबाइल किस तरह से। अब देख सकते हो एक ग्लासी बॉडी, एक शाइनी लुक आप लोगों को ज़बरदस्त, मेरे को तो ये लुक पसंद आ गया है। यहाँ पे जो कि 4 कैमरा का सेटअप जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले हम इस मोबाइल को बूट कर लेते हैं और बूट करते वक्त मैं आप लोगों को तब तक इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन बता दूंगा, इसके अंदर के एक्सेसरीज बाकी देखते हैं। बूट होने तक हम इसको साइट कर लेते और देखते बॉक्स में और क्या क्या हमें मिलता है देखने को। तो यहाँ पर हम इसको साइट कर लेते और हमें मेन यहाँ पे जो हम बात करेंगे तो उक चार्जर, जो कि 30W का उक चार्जर है, 4.0 के साथ यहाँ पे आ जाता है। इसकी रेटिंग 4.0 है, 30W का उक चार्जर है, जो कि कंपनी ने हमें यहाँ पे बता दिया गया है कि 30 मिनट में 0 to 67 तक यहाँ पे अपने मोबाइल को स्पीडली चार्ज कर देगा। तो एक काफ़ी अच्छा एक चार्जर आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग दिया गया है, जो कि आपके मोबाइल को फास्टली चार्जिंग कर देगा। साथ ही साथ में आप लोगों को यहाँ पे देखते और क्या मिलता है बॉक्स में। यहाँ पे एक USB-C टाइप केबल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू आप डाटा ट्रांसफ़र का काम कर सकते हैं, अपने मोबाइल को चार्जिंग करने का काम कर सकते हैं। और USB-2 और USB-C के बारे में हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो USB-C कभी भी आपको एक अच्छा स्पीड और एक फास्ट मतलब प्रोसेसर का काम कर जाती है। तो ये और क्या क्या देखते हैं, तो यहाँ पर एक सिम एजेक्टर स्टूल मिलता है, जिसकी मदद से हम अपने सिम कार्ड को निकाल सकते हैं। और यहाँ पर फिलहाल हमारा मोबाइल का सेटअप तो मतलब अब बूट तो हो गया, इसका फटाफट से सेटअप करके मिलते। तो यहाँ पे मोबाइल का सेटअप मैंने कर लिया। सेटअप करने के बाद आप देख सकते हो मोबाइल कुछ दिखने में कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि 6.4 इंचेस की ये जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि काफ़ी अच्छी दिख रही है। साथ ही साथ नीचे के साइड देखेंगे तो यहाँ पर स्पीकर, साथ ही साथ एक सी टाइप USB चार्जर और 3.5 एयरफोन जैक, साइड में यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन के की, और ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर के साइड एक सेकेंडरी यहाँ पे माइक्रोफोन यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन दिया गया है। यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है, मेन जो कैमरा 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल माइक्रो कैमरा के साथ 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा यहाँ पे आ जाता है, जो कि देखने में मुझे पीछे से तो लुक काफ़ी अच्छा देख रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका सिम स्लॉट कैसा होने वाला है। तो सिम स्लॉट को हम ओपन कर लेते हैं
और देख लेते, जो कि कल ही इसका सेल स्टार्ट हुआ और फर्स्ट ही मैंने मोबाइल बुक किया, और हालांकि मुझे 24 घंटे पहले यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने डिलीवर यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो दो सिम कार्ड के साथ साथ आप एक एक्सटर्नल माइक्रो एस डी कार्ड भी इसके साथ आप डाल सकते हो, जो कि काफ़ी बात है, जो कि आपके सिम कार्ड भी आपके इसमें रहेगा और साथ ही साथ आप एक एक्स्ट्रा मेमोरी आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ पे एक्सटर्नल मतलब एस डी कार्ड भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल का सेटअप मैंने किया है, जो कि एक क्विक सेटअप किया, एक दो फोटो जो मैंने अभी अभी इससे क्लिक किए वो मैं आप लोगों को एक साथ शेयर करना चाहूँगा, तो वो फोटो भी आप लोग देख लीजिए। और दोस्तों एक कुछ रिव्यू नहीं है, बस एक क्विक अनबॉक्सिंग है जो कि मैंने ट्रूली मेरे मन से यहाँ पे किए, ये कोई कंपनी ने हमें यूनिट वगैरह भेजा नहीं है अनबॉक्सिंग के लिए, जो इतने बड़े हम यूट्यूबर भी नहीं, जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर को यहाँ पे अनबॉक्सिंग के लिए यूनिट भेजे जाते हैं, जो पर्सनल यूज़ के लिए मैंने लिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कुछ कैमरा सैंपल में दिखा देता हूँ, जो कि मैंने अभी अभी मैंने इससे क्लिक किए, बस मुझे यही आप लोगों को दिखाना था। इसके साथ हम बहुत सारे छेड़छाड़ करेंगे, एक मतलब इसका हीटिंग टेस्ट हो गया, इसका चार्जिंग टेस्ट हो गया, बहुत सारे टेस्ट भी मैं आने वाले दिनों में आप लोगों को इसके साथ दिखाने की कोशिश करूँगा। बस आज के वीडियो में कुछ यही दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेशनल भरे अनबॉक्सिंग भरे वीडियो पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। बस आज के वीडियो में इतना है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।